वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं पनीर और चीज़ के स्टफ्ड पकोड़े। देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी बेसन, उसमें मैंने डाला है सोल्ट एज़ पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और डाला है अजवाइन। ऐसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब हम इसका पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। आप देख सकते हैं हमें ऐसा रखना है जो पनीर और चीज़ पे अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और चीज़ लिया है, उसको मैंने ऐसे स्क्वायर में कट कर लिया है और ऐसे दो दो रख लिए ताकि एक के ऊपर हम लगाएँ और दूसरा उसके ऊपर रख के स्टफ़ करेंगे। और ये पनीर और ये चीज़ है। यहाँ पर हरी चटनी है, इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और नींबू डाल के बनाइए। और ये लहसुन की चटनी है, इसमें लहसुन, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और पानी डाल के मैंने इसको चटनी बना लिया। थोड़ा थिक साइड पे रखना है ताकि इसके ऊपर लग जाए। तो अभी हमने पनीर का पीस उठाया, उसके ऊपर मैंने चटनी रखी है गार्लिक वाली और उसको पैक कर दिया है, यानी कि स्टफ़ कर दिया है। अभी मैंने एक दूसरा पनीर का लिया है, उसमें ग्रीन चटनी लगाया और उसको भी मैंने स्टफ़ कर दिया है। ऐसे ही हम चीज़ के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने चीज़ का बना दिया है गार्लिक वाला, और ये दूसरी चीज़ का मैंने हरी चटनी वाला बना दिया है। तो अभी हम सारे ऐसे बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हमारा बेसन भी अच्छे से फूल गया है और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बने तो आप पैन ऑयल के लिए थोड़ा चौड़ा लेना, यानी कि थोड़ा बड़ा ब्रॉड साइड हो उस तरह का लेना ताकि वो अच्छे से डीप फ्राई हो। तो अभी हमें इसको चारों तरफ से पहले बैटर में डीप करके फिर अच्छे से एक्स्ट्रा बैटर निकाल के ऑयल में हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो तब तक। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पनीर के पहले बना दिए, अभी हम चीज़ के फ्राई करेंगे। तो अभी इसको भी हम चारों तरफ से पहले डीप कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे से करके एक्स्ट्रा बैटर निकाल के हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। देख सकते हो चीज़ के भी बन के रेडी हो गए। तो यहाँ पे सारे बन के रेडी हो गए। मैंने इसको हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया। आप इसको चाहो तो चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक बनाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।